अपराजिता, जो हारी ना हो, स्त्री के लिए प्रयोग किया गया, कल भी बताया था। विलक्षण, विलक्षण जिसके लक्षण सामान्य से हटकर हो, यानी कि विशेष हो, यानी कि अद्भुत, अलग, सबसे हटकर। विच्छिन्न, छीन लेना। देखिए एक शब्द हमने सुना होगा, छीन लेना। छीन लेना, छीन लेते हैं तो क्या होता, कोई चीज़ किसी छीन लेते तो उससे अलग हो जाती है, हो जाती है। किसी के पास पेन है, हमने छीन लिया पेन, उससे अलग हो गया। यहाँ पे शब्द विच्छिन्न, इसका अर्थ है अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। देखिए कोई शब्द बनते तो ऐसे नहीं बनते। अभिशप्त, अभिशप्त साप से ग्रस्त। देखिए अभिशप्त, किसी का साप है उससे हम ग्रस्त हैं, तो हो गया अभिशप्त। जैसे कि अहिल्या पत्थर की बन गई थी तो उनको क्या दिया गया था, श्राप, तो अभिशप्त थी, और जब भगवान राम ने उनको छुआ तो उस श्राप से वो मुक्त हो गई। तब तक वो अभिशप्त थी। कभी कभी तो आपने सुना होगा कि फलाना गांव या फलाना घर अभिशप्त है, किसी विशेष उससे श्राप लगा इस गांव में कि इस गांव में ऐसा काम नहीं होता। अभिशप्त सप्त जो है काया, काया शरीर, ये तो सब जानते हैं, बूढ़ी काया है, बूढ़ा शरीर। नियति, नियत को मंजूर, नियत को, नियत को मंजूर क्या करें, जैसे बारिश नहीं हुई तो किसान ने कहा नियत को जैसा मंजूर है, नियत यानी कि भाग्य। आघात, आघात, आघात करना, लोहे को जब पीटा जाता है तो उस पर आघात किया जाता है, किसी को बहुत तेज मारा जाता है तो उसको आघात किया जाता है, तो आघात यानी कि क्या है, चोट। देवांगना, एक शब्द सुना होगा वीरांगना, रानी लक्ष्मी बाई वीरांगना, यहाँ पे शब्द है देवांगना। देवांगना शब्द होता है प्रयोग देवी या अप्सरा के लिए। मेधावी, वो बच्चा बहुत मेधावी है, पढ़ने में होशियार, तो हमने कह दिया मेधावी, इसका अर्थ है बुद्धिमान। नूर मंजिल, ठीक है, तो नूर मंजिल एक जगह का नाम है लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल, अब कोई फूल गया, फूलता आदमी कब फूलता है, जब वो खुश होता, जब वो प्रसन्न होता, और दुखी होता तो फूलता पिचक जाता, वहीं से शब्द बना है उत्फुल्ल, यानी कि प्रसन्न। विषाद, 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 उदासी, दुख। उत्कट, उत्कट शब्द यानी कि प्रबल, बहुत ज्यादा, उत्कट उत्कंठा, एक शब्द है उत्कंठा, प्रबल इच्छा, उत्कट यानी कि प्रबल। जीजी विषा, जीजी विषा यानी कि जीने की इच्छा, बहुत से लोग कहते हैं अरे अब हमारे जीने की इच्छा नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे जो तमाम परेशानियों को झेलने के बाद भी उनके अंदर जीजी विषा होती है, यानी कि जीने की इच्छा होती है। माइक्रोबायोलॉजी, तो एक विज्ञान का शब्द है सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोडाटा यानी कि जीवन विवरण, जब हम कहीं परीक्षा देने जाते हैं या कहीं एग्जाम में अप्लाई करते तो हमारा बायोडाटा मांगता है। फेलोशिप, शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। कंठ